आमिर खान की तस्वीरें उनकी बहन निखत के घर की हैं, जहां एक्टर संडे के दिन बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। आमिर खान के बहन के घर पहुंचकर पहले गणपति बप्पा की आरती की और फिर उनसे आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान एक्टर काफी सिंपल लुक में दिखे। उन्होंने ब्लू कलर के कुर्ते के साथ डेनिम जीन्स कैरी की थी। वहीं एक्टर के साथ इस दौरान उनके छोटे बेटे आजाद भी नजर आए। दोनों ने एक साथ बप्पा की आरती की। बता दें कि आजाद एक्टर की दूसरी पत्नी किरण राव के बेटे हैं। आमिर और किरण दोनों अब तलाक लेकर अलग हो चुके हैं। बता दें चलिए कि वही बीते दिन आमिर अपने दोनों बेटों यानी कि जुनैद और आजाद के साथ मुकेश अंबानी के घर भी पहुंचे थे गणपति दर्शन करने के लिए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आमिर खान पिछले काफी वक्त से बड़े पर्दे से दूर है। आखिरी बार उन्हें लाल सिंह चड्ढा में करीना कपूर के साथ देखा गया था। यहाँ बात करें अगर शाहरुख खान से लेकर शिल्पा शेट्टी, भूमि पेडनेकर, सोनाक्षी सिन्हा और आमिर खान तक सभी सितारे गणेश चतुर्थी के शानदार उत्सव में शामिल हुए और पूजा अर्चना भी की। बताते चले इस बीच बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान भी हाल ही में अपनी बहन निखत के घर गणेश चतुर्थी उत्सव मनाने के लिए गए, साथ ही अपने परिवार के साथ शामिल हुए। आमिर खान ने खास तौर पर अपनी बहन के परिवार के साथ गणेश चतुर्थी मनाई और साथ ही बेटे के साथ भी, बेटे आजाद के साथ भी पप्पा की पूजा की। बताते चले कि सोशल मीडिया पर परिवार संग एक्टर की जो तस्वीरें हैं वो अब सामने आ गई हैं और काफी ज्यादा सुर्खियों में भी आ गई हैं। बताते चले कि बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान अपनी बहन निखत और उनके पति संतोष के साथ उनके घर पर गणेश चतुर्थी का जश्न मनाने के लिए शामिल हुए। इस बीच आमिर की उनकी बहन और उनके पति संतोष हेगड़े के साथ मुंबई स्थित उनके घर पर त्योहार मनाते हुए कई तस्वीरें सामने आई। गणेश पूजा समारोह की तस्वीरों में आमिर गणेश पूजा में तीन लीन दिखाई दिए। बताते चले कि वो अपनी बहन और उसके परिवार के साथ पूजा करते भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपके इस पर क्या कोई राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे हम आपको ये बता दें गणेश पूजा के लिए लाल सिंह चड्ढा स्टार ने ब्लैक कलर की पैंट के साथ एक सिंपल डार्क ब्लू कलर की कुर्ता पहन रखा था, जिसमें कि वो काफी ज्यादा सिंपल से लग रहे थे। और इस पूजा के बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम भी बताया। एक तस्वीर में उनके सबसे छोटे बेटे आजाद खान भी आमिर के साथ पूजा में भाग लेते हुए दिखाई दिए। साथ ही इस बीच निखत आमिर के बगल में खड़ी हुई दिखाई दी और बताते चले कि जो कि गुलाबी रेशमी साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। फिलहाल आपका इस पे क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हम बात करें आमिर खान की अपकमिंग फिल्म की, तो आमिर खान की अपकमिंग फिल्म जो है वो 7 सितंबर को आमिर खान अंबानी परिवार के गणेश चतुर्थी समारोह में शामिल हुए थे और वो अपने बेटे जुनैद खान और आजाद खान के साथ इस खास मौके पर कार्यक्रम में दिखे थे। यहाँ तक कि आमिर ने इस दौरान रेड कलर का कुर्ता भी पहन रखा था और डेनिम जीन्स पैंट पहना हुआ था। साथ ही उन्होंने जुनैद ने मस्टर्ड रंग का कुर्ता और क्रीम कलर का पैजामा पहना था। बताते चले कि आजाद ने पिंक कलर का कुर्ता और व्हाइट कलर का पैजामा पहना था। काम की बात करें तो आमिर इन दिनों अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म सितारे जमीन पे में व्यस्त है और जिसका निर्देशन आर एस प्रसन्ना ने किया है। फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी और साथ ही आमिर को आखिरी बार करीना कपूर के खान के साथ लाल सिंह चड्ढा में देखा गया था। इस फिल्म को मिले जुले रिव्यू मिले। फिलहाल आपके इस पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट ऑन लाइव।